आपका दोस्त अमित, मेरे चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए लाया हूँ एक बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट जो कि एक स्पीकर है। और ये स्पीकर का डिज़ाइन आप देख सकते हैं, जो कि बॉटल डिज़ाइन में यहाँ पर आपको ये स्पीकर मिल जाता है। तो ये बहुत ही यूनिक डिज़ाइन आपको देखने को मिलता है स्पीकर्स में। तो आज की इस वीडियो में इसी का अनबॉक्सिंग और रिव्यू करूँगा। बात करेंगे इस स्पीकर की क्वालिटी की और साथ ही इसके अंदर क्या फंक्शंस दिए हुए हैं और इसका बेस क्वालिटी कैसा है, ये स्पीकर जिस प्राइस में है उस हिसाब से ये बढ़िया क्वालिटी का है या नहीं, इस स्पीकर को बाय करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखें ताकि आप अच्छी तरह इस प्रोडक्ट के बारे में जान सके। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको इसी तरह नए नए प्रोडक्ट्स के बारे में वीडियोस मिलते रहें। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो उस कंपनी का स्पीकर ये है और यहाँ पर आपको मॉडल नंबर देखने को मिल जाता है जो कि WS005 यहाँ पर इसका मॉडल नंबर दिया हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है न्यू एक्सपीरियंस म्यूजिक ब्यूटीफुल साउंड। तो यहाँ पर न्यू एक्सपीरियंस के साथ यहाँ पर आपको ब्यूटीफुल साउंड ये प्रोवाइड करता है। और यहाँ बाजू में आपको कलर्स दिखाए हुए हैं कि ये स्पीकर किन किन कलरों में अवेलेबल है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लैक, ब्लू और रेड, ये तीन कलर में आपको ये स्पीकर देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर ब्लैक कलर पर टिक मार्क किया हुआ है, मतलब इसके अंदर ब्लैक कलर है। और यहाँ पर आपको कुछ स्पेसिफिकेशंस वगैरह मिल जाते हैं, जैसे इसके अंदर आपको टॉर्च मिल जाता है और साथ ही इसके अंदर आपको माइक्रो यूएसबी दिया हुआ है जिससे आप चार्ज कर सकते हैं माइक्रो यूएसबी से। और यहाँ पर आपको TF मतलब मेमोरी कार्ड भी इसके अंदर आप लगा सकते हैं। ब्लूटूथ मिल जाता है और साथ ही इसके अंदर आपको यूएसबी मिल जाता है, इसके अंदर आपको FM भी देखने को मिल जाता है। यहाँ पर हम इसे ओपन कर लेते हैं। तो ओपन करते हैं, यहाँ पर आपको एक यूएसबी केबल मिल जाता है जिससे आप इसे चार्ज कर सकते हैं। बाकी इसे यहाँ पर हमें ओपन करना है और यहाँ पर आपको ये देखने को मिल जाता है स्पीकर। तो हम इसे निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर आप स्पीकर को देख सकते हैं। अब बाकी इसके अंदर मैनुअल तो मुझे नहीं दिखा, खैर जाने दीजिए मैनुअल की क्या जरूरत है, मैं आपको इसमें सारी चीज़ें बता दूंगा, मैनुअल की आपको ज़रूरत भी नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वूज कंपनी का, यहाँ पर आपको ब्रांडिंग देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्पीकर की क्वालिटी की। तो क्वालिटी की अगर बात करें तो ये स्पीकर आपको बहुत ही हार्ड क्वालिटी का, यहाँ पर आपको प्लास्टिक का यूज़ किया हुआ है। तो इसका वेट भी आपको अच्छा खासा देखने को मिल जाता है, यहाँ पर आपको 260 ग्राम तक का इसका वेट मिल जाता है। तो छोटे साइज़ का ये स्पीकर दिया हुआ है, एक बॉटल साइज़ का ये स्पीकर है। आप बॉटल्स के बीच में इसे रखेंगे तो कोई जान भी नहीं पाएगा कि ये स्पीकर है। तो इसका लुक इस तरह का यहाँ पर बनाया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ढक्कन का यहाँ पर शेप बनाया हुआ है जो कि ये डायरेक्टली से घूमता है यहाँ पर, लेकिन ये ओपन नहीं होता। और यहाँ पर आपको लाइट्स देखने को मिल जाता है सामने की तरफ। प्लास्टिक क्वालिटी इसका बढ़िया मिल जाता है। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको कुछ चार बटन दिए हुए हैं। तो यहाँ पर आपको एक लाइट्स के लिए बटन मिल जाते हैं जिससे आप ऑन ऑफ कर सकते हैं टॉर्च को, प्लस का साइन मिल जाता है जिससे आप नेक्स्ट सॉन्ग को प्ले कर सकते हैं और वॉल्यूम को भी बढ़ा सकते हैं, और माइनस से आप प्रीवियस सॉन्ग और वॉल्यूम को कम कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको मोड का बटन दिया हुआ है जिससे आप मोड को चेंज कर सकते हैं और यहाँ पर पॉज वगैरह भी कर सकते हैं, कॉल्स भी पिकअप आप इससे कर सकते हैं। और बाकी यहाँ पर आपको स्पीकर्स के तो नीचे की साइड में यहाँ पर आपको कुछ और देखने को मिल जाता है, जैसे कि यहाँ पर आपको चार्जिंग करने के लिए चार्जिंग पोर्ट दिया हुआ है, यूएसबी दिया हुआ है और साथ ही इसके अंदर आप मेमोरी कार्ड भी आपको देखने को मिल जाता है लगाने के लिए, और यहाँ पर ऑन ऑफ का बटन दिया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर स्पीकर के साइड में दिया हुआ है जो कि नज़र में नहीं आते जब आप इसे इस तरह खड़ा करते हैं सामने फ्रंट में करके। तो यहाँ पर अभी यहाँ पर जैसे मैं इसे प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो टॉर्च ऑन हो गया है, जिसे आप देख सकते हैं इस तरह का यहाँ पर आपको टॉर्च मिल जाता है जो कि अच्छा खासा यहाँ पर आपको टॉर्च मिल जाता है। पोर्टेबल स्पीकर कहीं पे भी अगर आप लेके जाएं और अंधेरा वगैरह हो जाए तो आप इसमें टॉर्च का भी यूज़ कर सकते हैं। तो मतलब एक बढ़िया यहाँ पर फंक्शन मिल जाता है। तो टॉर्च की क्वालिटी भी यहाँ पर कोई ऐसा वैसा नहीं, अच्छा खासा दिया है जो कि आपको अच्छा खासा यहाँ पर लाइट प्रोवाइड कर देगा। तो अभी हम इसकी बैटरी बैकअप की बात करते हैं। तो बैटरी बैकअप यहाँ पर आपको इसका मिल जाता है लगभग 5 से 6 घंटे तक का इसका प्लेइंग टाइम आपको देखने को मिल जाता है, डिपेंड करता है वॉल्यूम के ऊपर। और यहाँ पर जिस प्राइस में ये मिल रहा है उस प्राइस के हिसाब से इसका बैटरी बैकअप सही है। तो एक बढ़िया टाइप का यहाँ पर आपको स्पीकर देखने को मिल जाता है। तो अभी हम इसको कनेक्ट करके इसके अंदर कुछ म्यूज़िक प्ले करते हैं जिससे पता चलेगा इसका साउंड और बेस क्वालिटी का। तो यहाँ पर मैं इसे ऑन कर लेता हूँ। तो ऑन करने के लिए यहाँ पर सिंपली यहाँ पर आपको पीछे की तरफ यहाँ बटन दिया हुआ, इसे ऑन कर लेना है। Welcome to our music world. The Bluetooth device is ready to pair. Bluetooth mount. तो अभी हम इसे कनेक्ट कर लेते हैं। तो कनेक्ट करने के लिए सिंपल सा हमें इसको अपने मोबाइल से कनेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर मैं ब्लूटूथ ऑन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर अभी मैं इसे कनेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर ये कनेक्ट हो चुका है। तो यहाँ पर मैं सॉन्ग नहीं प्ले करूँगा, म्यूजिक प्ले करूँगा, नहीं तो कॉपीराइट वगैरह आने का इशू है। सुन कर लेता हूँ वॉल्यूम को। Thank you.
I up in a daydream, I be in my mind up here almost daily. It's how I pass down, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place to eat. Cause everybody wanna tell you bad things. What could go wrong, what fame brings, but success is a finicky thing. And if you ain't sure, no, it'll never be. तो जैसे कि यहाँ पर आपने स्पीकर को सुना, तो अगर मैं इसका रिव्यू दूँ साउंड क्वालिटी के हिसाब से, तो यहाँ पर साउंड क्वालिटी इतना हाई भी आपको नहीं मिलता है इस स्पीकर में, और इतना ज़्यादा डीप बेस भी आपको देखने को नहीं मिलता है इस स्पीकर में। अपने रूम वगैरह में अगर आप सुनना चाहें तो सुन सकते हैं। मतलब इसका साउंड अगर मैं एक हिसाब से बताऊँ तो यहाँ पर, तो इस स्पीकर का साउंड यहाँ पर एक या दो रूम को कवर कर सकता है। मतलब अगर आप अपने घर के लिए ले रहे हैं, मतलब घर में आप सुनना मिलना चाहते हैं सॉन्ग वगैरह नॉर्मली, तो यहाँ पर आप इसे यूज़ कर सकते हैं। बाकी अगर आप इसे आउट एरिया में ज़्यादा यूज़ करेंगे, जैसे कि शोरगुल वाली जगह पर ज़्यादा यूज़ करेंगे, तो इतना ज़्यादा इसका साउंड आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो रूम वगैरह के लिए ये बढ़िया है ये स्पीकर। और बेस क्वालिटी में भी यहाँ पर आपको, तो यहाँ पर आपको 50% बेस देखने को मिलता है, तो मीडियम सा बेस आपको इसके अंदर मिल जाता है। ओवरऑल ठीक ही है जिस प्राइस में आपको मिल रहा है ये स्पीकर। मैंने बाय किया था लगभग 550 के आसपास मैंने इसे बाय किया था। तो ये स्पीकर कभी कभी आपको और भी कम में देखने को मिल जाते हैं, तो मतलब जिस प्राइस में आपको मिल रहा है उस हिसाब से बढ़िया है। इस स्पीकर में ज़्यादातर इसके लुक के वजह से ज़्यादा लोग खरीदते हैं, क्योंकि इसका लुक थोड़ा बाकी स्पीकर से अलग है। बाकी साउंड क्वालिटी में यहाँ पर आपको जिस तरह का मैंने बताया, यहाँ पर इतना साउंड आपको मिल जाता है, और बेस में भी आपको 50% बेस आपको इसके अंदर देखने को मिल जाता है। ओवरऑल इसका डिज़ाइनिंग बहुत बढ़िया दिया हुआ है, जो कि बढ़िया है, यूनिक लगता है। और जो बेस वगैरह है थोड़ा वो कम आपको मिल जाता है, लेकिन अगर आप नॉर्मल स्पीकर सस्ते में आप स्पीकर देख रहे हैं तो आप इसे बाय कर सकते हैं। बाकी इसके अंदर आपको टॉर्च और FM वगैरह भी देखने को मिल जाते हैं, तो मतलब ज़्यादा फंक्शन भी मिल गया और यूनिक डिज़ाइन दिया हुआ है, तो ये सब पे ज़्यादा ध्यान दिया गया है। आप इस स्पीकर को बाय करना चाहते हैं आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्टली बाय कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि और मैं कोई प्रोडक्ट की वीडियो बनाऊँ तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, ताकि मैं आपके लिए और भी बढ़िया बढ़िया वीडियोज़ लाते रहूँ। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।